स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे लेटेस्ट फॉल्स सीलिंग के डिजाइन जो आप अपने घर में भी यूज कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जो फॉल्स सीलिंग के डिजाइन है वो टाइम टू टाइम जो होते हैं ना चेंज होते रहते हैं। तो मैं चाहता हूं अगर आप अपने घर में फॉल्स सीलिंग कराने का सोच रहे हैं तो यही जो मैं आपको मॉडर्न डिजाइन दिखाऊंगा इस वीडियो में वही आप सेलेक्ट करें। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपको पीओपी की फॉल्स सीलिंग घर में क्यों करानी चाहिए और क्यों नहीं करानी चाहिए, उसके डिसएडवांटेज बताए थे, तो वो वीडियो आप जाके चेक कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं अपने घर का एलिवेशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन या फिर फ्लोर प्लान बनवाना तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं हूं आर्किटेक्ट अक्षय श्रीवास्तव। हमने यूट्यूब क्लाइंट्स के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करे हैं और आप ये चेक कर सकते हैं हमारी गूगल पर रेटिंग। तो चलिए अब इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए फॉल्स सीलिंग का हम अपने घर में क्यों यूज करते हैं। जैसे हमें कोई भी अपना स्पेस है, ड्राइंग रूम है, आपका बेडरूम है या फिर डाइनिंग एरिया है, उसके इंटीरियर को और ज़्यादा अच्छा दिखाने के लिए हम फॉल्स सीलिंग का यूज़ करते हैं। आप सिंपल सा समझ लीजिए, किसी भी स्पेस में अगर आपको चार चांद लगाने हैं तो आप फॉल्स सीलिंग का यूज़ करते हैं। तो फॉल्स सीलिंग का सबसे पहला मॉडर्न डिज़ाइन आता है जिसको हम बोलते हैं कर्व फॉल्स सीलिंग डिज़ाइन। देखिए जो पहले जो फॉल्स सीलिंग के डिज़ाइन चलते थे, मतलब पहले नहीं आज भी चलते हैं, उसमें क्या होता था, मोस्टली रेक्टेंगुलर आपकी शेप की पीओपी की फॉल्स सीलिंग कराई जाती थी या फिर स्क्वायर शेप की फॉल्स सीलिंग कराई जाती थी। अब जो उसका कॉर्नर वाला एरिया रहता था ना वो 90 डिग्री पर बेंड होता था। बट इस कर्व फॉल्स सीलिंग में क्या होता है, जो उसका कॉर्नर वाला एरिया आ जाता है वो कर्व शेप में कट करा जाता है। तो बस इतना सा ही डिफरेंस है। जो पहले की फॉल्स सीलिंग थी उसमें जो कॉर्नर था वो 90 डिग्री पर बेंड होता था और इस जो फॉल्स सीलिंग में है वो कर्व में बेंड होता है आपका कॉर्नर। देखिए आजकल जो है ना कर्व डिज़ाइन बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आ रहा है, चाहे वो कर्व फॉल्स सीलिंग हो आपकी या फिर कर्व आर्चेस या फिर आपका वॉल पे कोई भी कर्व मोल्डिंग या फिर कर्व पैनलिंग का डिज़ाइन क्यों ना हो। तो आप चाहते हैं कि लेटेस्ट ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलना तो आप ये कर्व डिज़ाइन की फॉल्स सीलिंग यूज़ कर सकते हैं। अब ना इसके मैं आपको कुछ डिज़ाइन दिखा देता हूँ, फिर इसके बारे में आगे थोड़ा सा और बात करते हैं। अब सेकंड नंबर पे आता है मोल्डिंग पीओपी फॉल्स सीलिंग डिज़ाइन। देखिए अब ये मोल्डिंग पीओपी फॉल्स सीलिंग डिज़ाइन क्या होता है, आपकी सिंपल से एक पीओपी की फॉल्स सीलिंग करी जाती है और उसके ऊपर फिर मोल्डिंग का यूज़ करा जाता है। अभी मोल्डिंग क्या चीज़ होती है, देखिए आप जो दरवाज़ा लगाते हैं उसके जो चौखट होती है जिसको हम फ्रेम बोलते हैं, उसके साइड में हम एक बीडिंग का यूज़ करते थे, इसको ही हम मोल्डिंग बोलते हैं। अब इसका इंटीरियर में आप वॉल पे यूज़ करते थे, अब ये वॉल से शिफ्ट होके हमारा सीलिंग के ऊपर यूज़ करी जा रही है। आपको साथ ही मैं आपको रेफरेंस इमेज भी दिखाऊंगा जिससे आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। आप देख सकते हैं इमेज में स्क्वायर शेप के या फिर रेक्टेंगुलर शेप के डिज़ाइन कट करे जाते हैं पीओपी की फॉल सीलिंग में और उसके अंदर आपका मोल्डिंग का यूज़ करा जाता है और फिर उसके अंदर आपका लाइटिंग का यूज़ करा जाता है। तो अगर आप एक नया लुक देना चाहते हैं अपने फॉल सीलिंग में तो आप मोल्डिंग का यूज़ ज़रूर करें। इसके भी मैं कुछ आपको डिज़ाइन दिखा दूंगा, फिर इसके बारे में थोड़ा सा और आगे बात करते हैं। देखिए डिज़ाइन तो आपने देख लिए होंगे, अब मोल्डिंग फॉल्स सीलिंग कराने से पहले बस आपको एक छोटी सी बात का ध्यान रखना है, जो भी आपका कॉन्ट्रैक्टर होगा, ठेकेदार होगा, वो एक अच्छा कारीगर होना चाहिए, क्योंकि मोल्डिंग का काम है ना थोड़ा बारीक काम है, इसमें फिनिशिंग बहुत अच्छी आनी चाहिए, चाहे वो कर्व फॉल्स सीलिंग हो या फिर मोल्डिंग फॉल्स सीलिंग हो, एक अच्छी फिनिशिंग आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें, एक अच्छे कारीगर से, एक अच्छे ठेकेदार से ही काम कराए। यार आप लोगों से ना एक शिकायत है छोटी सी, आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हो। तो यार ऐसा मत करिए, वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, इतने अच्छे अच्छे टॉपिक्स लाए जा रहे हैं आपके लिए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आगे का पार्ट शुरू करते हैं। अब थर्ड नंबर पे आता है मोल्डिंग प्लस ग्रूव पीओपी फॉल्स सीलिंग डिज़ाइन। अब ये मोल्डिंग प्लस ग्रूव पीओपी फॉल्स सीलिंग डिज़ाइन क्या होता है, देखिए जब आप पीओपी की फॉल्स सीलिंग कराएंगे तो इसमें क्या होगा कि आपका एक तो बॉर्डर क्रिएट होगा चारों तरफ, उसके सेंटर में फिर आपका पीओपी की फॉल्स सीलिंग क्रिएट होगी। आप समझे, आपका पीओपी की फॉल्स सीलिंग से एक बॉर्डर क्रिएट हो गया और उसके सेंटर में फिर आपका एक पीओपी की फॉल्स सीलिंग बना दी गई। अब जो बॉर्डर वाला डिज़ाइन है इसके ऊपर मोल्डिंग का यूज़ करा जाता है और जो सेंटर वाला एरिया आएगा उसमें पीओपी के अंदर ही आपकी ग्रूव की कटिंग करी जाती है। अभी ग्रूव की कटिंग आप हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर या फिर जिगजैग फॉर्म में भी करा सकते हैं, यह आपके चॉइस के ऊपर है। इसमें बहुत सारे ग्रूव की कटिंग करी जाती है डिज़ाइन में, आपको स्क्रीन पर भी इमेजेस इसकी दिख जाएंगी, तो आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट करके
अपने डिजाइन में अपने घर में यूज कर सकते हैं। अब देखिए बहुत सारे लोग ना एक छोटी सी गलती करते हैं फॉल सीलिंग कराते समय, और ये छोटी सी गलती बहुत महंगी पड़ती है उन्हें। अब यहां से मैंने डिजाइन दिखा दिए देखिए आपको, बट आप ये डायरेक्ट ये ना करें कि अपने कॉन्ट्रैक्टर को आपने ये डिजाइन दिखाया और बोला कि मुझे अपने घर में इस टाइप की फॉल सीलिंग करानी है, आप बना के दे दीजिए। देखिए इससे अगर आप ऐसा काम करेंगे तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। आपको प्रॉपर इसकी ड्राइंग बनानी है किसी भी आर्किटेक्ट या फिर इंजीनियर से। उससे क्या होगा कि आपको प्रॉपर एग्जैक्ट डायमेंशन पता लगेगी कि अगर आपका रूम का एरिया इतना है तो किस डायमेंशन में आपको कौन सी फॉल सीलिंग बेस्ट रहेगी। कहीं ऐसा ना हो आपका रूम का स्पेस तो बहुत छोटा है और आप उसमें बहुत ही कंजेस्टेड फॉल सीलिंग करा दें, वो भी बिना डायमेंशन के, तो बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ होने वाली है। तो आजकल तो जो पीओपी करने वाले फॉल सीलिंग करने वाले हैं वो खुद कहते हैं कि हमें ड्राइंग ला के दीजिए जिससे कोई भी गड़बड़ साइट पे ना हो। देखिए कोई भी गड़बड़ होगी पीओपी की फॉल सीलिंग में तो आपके पैसे ही वेस्ट होंगे, तो ऐसी गलती ना करें। छोटे मोटे चार्जेस लगते हैं एक पीओपी की फॉल सीलिंग डिजाइन कराना आपका 2D में। आप चाहें तो हमसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम भी आपकी फॉल सीलिंग डिजाइन करके दे देंगे, आप बस हमें बता दीजिए किस टाइप की फॉल सीलिंग आपको करानी है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट डिजाइन के ऊपर। अब नेक्स्ट आता है क्रॉस मोल्डिंग डिजाइन। देखिए इससे जो पहले मैंने आपको मोल्डिंग का डिजाइन के बारे में बताया था उसमें क्या था कि जो उसमें मोल्डिंग का यूज करा जा रहा था वो डिजाइनर मोल्डिंग का यूज करा जा रहा था, बट जो इसमें हमने मोल्डिंग का यूज करेंगे सिंपल सी आपकी स्ट्रिप मोल्डिंग का यूज करेंगे। आपको रेफरेंस इमेज भी दिख जाएगी, इसमें आप डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न के डिजाइन भी निकाल सकते हैं। अब देखिए मोल्डिंग से मेरे कहने का मतलब ये नहीं आप वुडन की इसमें स्ट्रिप लगाएं अलग से, आप इसको पीओपी में ही बनवा लीजिए। जो आप पीओपी की फॉल सीलिंग बनाते हैं तो हाथों हाथ ये डिजाइन निकल जाएगा। तो चाहे आप चाहें तो इस टाइप का डिजाइन भी यूज कर सकते हैं, देखने में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। पर्सनली मुझे देखने में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, तो आप चाहें तो इस डिजाइन की तरफ भी जा सकते हैं। अब नेक्स्ट डिजाइन आता है सर्कुलर पीओपी फॉल सीलिंग डिजाइन। देखिए ये डिजाइन भी बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। इसमें क्या होता है कि आपकी सर्कुलर शेप में पीओपी की फॉल सीलिंग कट कर दी जाती है और उसके अंदर छोटी मोटी आपके मोल्डिंग का यूज कर दिया जाता है। बट देखिए अगर आप ये डिजाइन अपने घर में यूज कर रहे हैं तो थोड़ा स्पेस का ध्यान रखें, ऐसा ना हो कि आपका स्पेस बहुत ही कंजेस्टेड हो और आप उसमें इस टाइप के सर्कुलर डिजाइन निकाल दें तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो देखिए फॉल सीलिंग क्या होता है ना कि स्पेस का बहुत ही इंपॉर्टेंस रहती है कि आप कौन सा डिजाइन यूज कर रहे हैं कौन से स्पेस में। अगर आप छोटे स्पेस पे एक कंजस्टेड डिजाइन का यूज करेंगे तो वो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आप डिजाइन सोच समझ के सिलेक्ट करें। अब एक लास्ट फॉल सीलिंग के डिजाइन के बारे में बात कर देते हैं जो सदाबहार एवरग्रीन फॉल सीलिंग मानी जाती है, जिसमें क्या होता है कि पूरे का पूरा आपका जो सीलिंग है उसको कवर कर दिया जाता है और उसमें जो खूबसूरती आती है वो आती है आपकी सिर्फ लाइट से। उसमें आप COB लाइट का यूज करें, पैनल लाइट का यूज करें, प्रोफाइल लाइट का यूज करें, ट्रैक लाइट का यूज करें, जितना ज्यादा आप अच्छी तरह लाइट का यूज करेंगे अपने प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग उससे उतना ही ज्यादा आपका पीओपी की फॉल सीलिंग में लुक आ जाता है। तो देखिए ऐसा नहीं है कि आप डिजाइनर फॉल सीलिंग की तरफ ही जाएं, अगर आप प्लेन फॉल सीलिंग भी कराएंगे उसमें लाइटिंग का अच्छी तरह यूज करेंगे तो आप एक अच्छी फॉल सीलिंग भी बनवा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमें इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिए।